तो आप लोग को पता है कि भाई डार्लिंग प्रभास की सालार मूवी हो या काल की मूवी, दोनों ने बॉक्स ऑफिस पर आग मचाई थी। लेकिन अब अगर बात करें तो वांगा के साथ आने वाली मूवी, जो मैं कहता हूं कि भाई साहब साउथ की क्या, इंडिया की क्या, पूरे वर्ल्ड की ये सबसे बड़ी मचावेटेड मूवी होने वाली, जिसका नाम है स्प्लिट। अब अगर बात करें तो इस मूवी को जिस तरीके से बनाया गया है और जिस तरीके से बनाया जा रहा है और जिस तरीके से इस मूवी को बनाया जाएगा, टोटली आउटस्टैंडिंग। और जब देखोगे तो फिर आप लोग को बवाल ही चीजें आज बता देनी है, क्योंकि एक नहीं दो नहीं तीन ऐसी अपडेट्स निकल के आ रही है जिसको देखकर भाई साहब अभी से ही रोंगटे खड़े होंगे। एनिमल तो इसके सामने नन्नू मुन्नू है भाई साहब, क्योंकि इसको बोलते हैं असली वॉलेट मूवी। सबसे पहले आप लोग को मैं अपडेट बता दूं कि भाई जिस तरीके से इस मूवी की स्टार कास्ट दिन ब दिन इतनी बड़ी होती जा रही है, क्योंकि हॉलीवुड के, साउथ के, इंडिया के सब आप लोग यहाँ एक्टर देखने को मिलेंगे, तो इस तरह से होने वाली है इसकी लंबी स्टार कास्ट। जिस तरीके से पुलिस के ऊपर बना रहे हैं और जिस तरीके से प्रभास का रोल होने वाला है, और जिस तरह न्यूज आ पता चली कि भाई डार्लिंग प्रभास का इस बार जो रोल होने वाला है कुछ इस तरह के होगा, इस तरह से सनकी रोल होगा कि आप लोगों ने जितने भी सनकी रोल आप लोगों ने पहले देख रखे वो इनके सामने भाई आप लोगों के पैर चुभते नजर आएंगे, क्योंकि इस तरह से बैड एस, इस तरह से भाई साहब वॉयलेंट होगा। जो मैं कहता हूं कि भाई एनिमल हो कबीर सिंह आप लोग भूल जाओगे, जिस तरह से फिल्मोग्राफी रही है संदीप वांगा रेड्डी की, ये उनमें से बेस्ट मूवी होने वाली है, वन ऑफ द ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी होने वाली है, इसकी रिपोर्ट आ रही है। लेकिन अगर बात करें दूसरी नंबर अपडेट्स की कि इस मूवी के शेड्यूल अब शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, डार्लिंग प्रभास काम करना शुरू हो चुका है, फर्स्ट शेड्यूल इस मूवी का जारी है और इस मूवी का मैं कहता हूं कि खत्म भी होने वाला है। सेकंड शेड्यूल फिर शुरू किया जाएगा इसी साल के अंदर। जी हाँ, इसी साल के अंदर सेकंड शेड्यूल भी किया जाएगा और सालार मूवी की यानी सालार 2 की शूटिंग की जा रही है और शुरू होने वाला है इसी साल के अंदर। लेकिन अगर मैं बात करूं भाई साहब तीसरी नंबर अपडेट की, तो इस मूवी को जो रिलीज करने का मेकर सोच रहे हैं वो 2026 में सोच रहे हैं। जी हाँ, 2026 में आप लोग को ये मूवी वो भी दिवाली के मंथ के में देखने को मिलने वाली है। ये बात अभी से कन्फर्म हो रही है कि भाई साहब ये मूवी 2025 के एंड में नहीं, 26 की शुरुआत में नहीं, आप लोग सीधा बीच में देखने को मिलने वाली। तो ये बात और भी अच्छी हो जाती है कि इस मूवी पे काम अच्छा किया जाएगा और जब टाइम लेकर आते हैं तो फिर कमाल ही करके देते हैं। यार डार्लिंग प्रभास इस बार ऐसी सी मूवी लेके आ रहे हैं, हाँ बॉक्स ऑफिस जिस तरह भी काम कर रही हो लेकिन अच्छी कंटेंट लेकर आए, लोगों को देख रहे मजा आ रहा है, लोग खुश हो रहे, मजा आ गया भाई साहब। तो स्प्लिट मूवी बहुत कमाल की होने वाली है नहीं होने वाली, आप लोग मुझे कमेंट बताओ। लेकिन मैं आप लोग इतना बोल सकता हूं कि ये मूवी डार्लिंग प्रभास की गेम चेंजर होने वाली है।